बात करूंगा। सबसे पहले तो सलमान साहब, आपने कुछ नारे लगाए, उम्मीद करता हूं आपको नंगा नहीं किया जाएगा। अगर करने की ख्वाहिश है तो आपसे गुजारिश है, सलमान साहब नंगे अच्छे नहीं लगेंगे। अली नवाज अवान जरा बेहतर जसामत रखते हैं, हमारी तरफ से वो पेश खिदमत हैं, आप उन्हें नंगा कर सकते हैं, क्योंकि शौक तो आपने पूरा करना है। शहर सलामत है, आपका शौक सलामत रहे। दूसरा पूछना था, आपने बयान दिया कि अब आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है, तो हजूर मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन लें या भी नीचे ही रखनी है? क्योंकि वो ऊपर उठा उठा के फिल्में बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था मेरे पीछे या आगे कोई ऐसी खास चीज लगी हुई है जिसमें से कुछ निकालना है, कुछ हिंदुस्तान के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना है उसे, तो मुझे नहीं पता था किसी ऐसे स्पेयर पार्ट का जो मेरे पास था, जिसको इतनी बारीक बीनी से देख के फिल्माया गया। तो अगर अभी ख्वाहिश बाकी है तो अभी काफी सारी क्यादत बाकी है। इमरान इस्माइल साहब बैठे हुए हैं, तो अभी काफी क्यादत बाकी है, आपने शौक फरमाना है अगर आपने बताना है। मुझे भट्टी साहब कह रहे थे, शौकत भट्टी साहब, चंद दिन पहले कि अगर आपका एग्रीमेंट एस्टेब्लिशमेंट से खत्म हो गया है तो आप बोलें, आप बोलते क्यों नहीं है? तो मैंने भट्टी साहब को कहा कि अभी मेरे बोलने के दिन नहीं है, वजन बहुत ज्यादा आएगा, मेरे पास बहुत सारा मसाला है बताने को। मैंने 16 दिन गुजारे हैं, उन 16 दिन में हमारे नए आने वाले चीफ साहब के बारे में भी मुझसे बड़े सवाल हुए, आसिम मनीर साहब के बारे में भी। सो वक्त आ लेने दें, वक्त भी यहां है, बस एक मेरा अरशद यहां नहीं है, बाकी तो सब कुछ यहां है। वक्त भी यहां है, हम भी यहां हैं, आप भी यहां हैं। जट्टां ते वैसे भी रिवाज है अगलियां नस्लों को भी बदला लैण दा, इसलिए सब कुछ।